गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज क्या आप भी अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम आईडी का नाम चेंज करना चाहते हैं लेकिन आपको नाम चेंज करना नहीं आता है? तो गाइज ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आज आपके लिए है। तो गाइज आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर देना। तो चलिए मैं इस वीडियो में बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। गाइज सबसे पहले आपको अपना मोबाइल जो है ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में चले जाना है। इंस्टाग्राम में जाने के बाद गाइज आपके यहाँ पर अकाउंट जो होगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और गाइज अब आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद गाइज आपका यहाँ पर अकाउंट जो है आपने अकाउंट पर जितने भी पोस्ट रील अपलोड कर रखी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप कौन सा नाम चेंज करना चाहते हैं, अपना जो यूज़र नेम होता है मतलब कि अकाउंट का जो नाम होता है वो चेंज करना चाहते हैं या फिर नीचे वाला, यहाँ पर गाइज दोनों नाम जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो गाइज मेरे को यहाँ पर गाइज यूज़र नेम जो है चेंज करना है। तो गाइज यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कुछ नाम जो है यहाँ पर डाल दूँगा। तो गाइज यहाँ पर जो है मेरा ये नाम मैंने चेंज कर दिया है। और अब जो है आपको ऊपर एक राइट में वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जो अपना इंस्टाग्राम आईडी का जो नाम होता है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और अगर आप और दूसरा वाला जो नाम होता है अपना वो भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो इंस्टाग्राम का जो नाम है यहाँ आईडी का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और कुछ इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे इंस्टाग्राम आईडी का नाम चेंज करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दो। तो चलिए हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।